तक तो काफी अच्छा चल रहा है मेरे लिए क्लीन शेव. मैं वही चला रहा हूँ. नो आई आई डू बिलीव इन दिस. इफ यू सी आथरी खान्स और मोस्ट ऑफ द पॉपुलर एक्टर्स इवन ऑफ द यस्टर्स दे हैव बीन क्लीन शेवन. देयर इज अ माइट बी अ रीजन फॉर दैट. फॉर मी द बिगेस्ट रीजन, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो बैंक में काम करते थे और वो हमेशा क्लीन शेव कर, मुझे ये याद है उनके बारे में कि ही वुड ऑलवेज शेव इन द मॉर्निंग एंड गो एंड बहुत प्राउड फील करते थे अच्छे शेव के बाद. तो मुझे वो हमेशा से चाहिए था. तो आई एम कीपिंग दिस लुक ऑब्वियसली. एंड मोस्ट पीपल हु गो टू वर्क या लोग सुबह सुबह काम के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं बस से या ट्रेन से, हमेशा आप लोग सुबह में, जब मैं एचआर जाता था कॉलेज, तो वो कॉन्वर्सेशन होती है शेविंग की. तो एक कॉन्वर्सेशन होती है लोगों के बीच, आज हाँ मैंने दाढ़ी बनाई या नहीं बनाई, ये पूछते रहते लोग एक दूसरे से. वरुण वरुण हाउ विच हुज गर्लफ्रेंड, बट हुज गर्लफ्रेंड लाइक्स मी लाइक दैट, हाउ डू यू लाइक मी लाइक दैट, which girlfriend? Sorry, how many girlfriends I have? I don't have any girlfriends. Yeah, Varun, Varun, Varun. आपको लगता है उनका ये decision क्या क्या कहना है आपको इसके बारे में? Do you think it's very prudent? Honestly, I have no idea about this as yet, but I know for a fact that Dilwale is coming on December 18th for sure, and our shooting is going on in full force. So I can't really comment on what they are doing or they are not doing. I don't know about that, is it? But all the best if they are. Sorry, the? You know, honestly, my dad is an alumni of FDI, and I think he'd have more. I don't want to jump into something that I'm not associated with, to be very honest. And I have little knowledge about it, but I hope they resolve it, because at the end of the day, when any of these disputes happen, cinema suffers and the students suffer the most, not the other people. So I hope they resolve it soon. Don't ever go out of fashion. Yes. I think because it's not only removing the facial hair, it's a state of mind also, for me at least. It's about the minute I clean shave, I feel more alert. I feel more awakened, I feel more ready. So I think it's like, you know, when they say get your game face on, yeah, get ready to battle. So I think that's the reason why a majority of people are clean shaven also in a way. Not that saying having facial hair is bad, it's really awesome, it's really cool, and you should keep it as well. But sometimes I think when you do clean shave and you go to a place, you feel more ready and alive to take on a situation. More fresh. I think the freshness factor, I guess, he said he it remains clean shaven most of the year round. So why also try? I mean, because I have to take. Hello, sir. Jo males hote hain. Acha. Haan, correct. लड़कियों तो लड़की पाजी लड़कियों को तो ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जिसका दिल अच्छा है. तो इवेंचुअली वही चाहिए उनको. नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लीन शेविन लड़कियों के लिए बनो. क्लीन शेविन इसलिए, कभी कभी जॉब डिमांड करती है. कई कई लोग बोलते हैं ना कि आप बड़े मीटिंग के लिए जा रहे हो तो भैया थोड़ा सूट टाई पहन के क्लीन शेव, वो बॉस बोल देता है ऐसे ऐसे. तो एक्चुअली ये ऐसे चीजों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टाइम बहुत सेव करता है. और जो बोलते हैं ना कि फोम लगाओ, ऐसे करो, ये वेट शेव भी कर सकते हो, पानी लगा के भी इसके साथ शेव कर सकते हो. तो इसके बहुत रीजंस है, क्योंकि आई फील ये प्रोडक्ट के बहुत रीजंस जुड़े हैं इस प्रोडक्ट के साथ, विच मेक इट लाइक आई थिंक द नंबर वन शेवर टुडे. व्हाट डू यू फील? आई थिंक फिलिप्स के बाद दोनों प्रोडक्ट है. एक ट्रिमर भी है, आपको ट्रिम करके बाल भी रन करना है वो भी कर सकते हैं. It's don't like two don't sides don't. Of the coin to support Varun, that's it. Yeah, I believe in both, to be very honest. Varun? Sorry. I'll just take her question, I'll come back to you, promise. Haan ji, ma'am. Haan, try karte. Jab... वो बहुत डिपेंड करता है, जब ऑब्वियसली हर बच्चे का, जब उन्हें बाल आने लगे तब उन्हें डिसाइड करना चाहिए. बट ये कि मैंने बहुत कम उम्र में ट्राई किया था और मैंने अपने आप को काट दिया था. आई गेस पहली बार जब आप करते हो तो सुपरविजन में करो अपने पेरेंट्स के, और टेल योर डैड, पापा को बोल दो कि सिखा दो, या बड़े भाई को बोल दो.
मैंने बेवकूफी कर दी, मैंने छुपके ऐसे कर दी थी और फिर मुझे बहुत कट्स आ गई थी, तो फिर लफड़ा हो गया था स्कूल से. आजकल हाँ इसके साथ तो कुछ नहीं. I think ये question इनके लिए जाना चाहिए. I mean I would rather say a brand value more than that. It's also the cerebral value of